बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, मैं हूँ ग़ुलाम रसूल, साल अव्वल के लेक्चर के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटे, आज हमारा साल अव्वल का जो लेक्चर है, नज़्म नंबर 4 है, मैदान करबला में सुबह का मंज़र, जिसके शायर हैं मीर अनीस। मीर अनीस मुबालगा रईस से काम यहाँ लेके मैदान करबला में सुबह का मंज़र बयान कर रहे हैं, जिसके पहले 3 बंद जो हैं उस पर हमने बात कर ली थी। आज बंद नंबर 4 है जिस पर बात करने के लिए जा रहे हैं। बंद नंबर 4 आप देखिए बेटे, वो कुमरियों का चार तरफ सरू के हजूम, कुकू का शोर नालाए हक सिर रुख की धूम, सुबहाना रब्बाना की सदा थी अलल अमूम, जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, कुछ गुल फकत न करते थे रब्बी आला की मद्दा, हर खार को भी नोके जुबान थी खुदा की मद्दा। वो कुमरियों का चार तरफ शुरू के हजूम, मैदान करबला में सुबह का मंजर वो बयान कर रहे हैं। मैदान करबला में ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीन्ज़ इमाम हसन हुसैन पाक का जो कुंबा मुबारक है, वो मैदान करबला में जब तशरीफ़ ला रहा है, उनके आने से कबल वहाँ क्या काम है, उस सहरा के अंदर फूल उगाए हैं, सुबह की ठंडी हवा चल रही है, सब्ज़ा लहला रहा है, और उसके साथ साथ क्या है, वो कुमरियों का चार तरफ सरू के हजूम। अच्छा, कुमरी क्या है? ये फाख्ता की किस्म का एक परिंदा होता है, जिस तरह की फाख्ता होती है उस तरह का एक परिंदा है। और उसके बाद सरू, ये एक मखरूती शक्ल का एक दरख्त होता है, मखरूती शक्ल का ऊंचा दरख्त होता है, और ये बेफल होता है, इसके ऊपर फल नहीं होता। कहते कि वो कुमरियों का, वो फाख्ता जैसे जो परिंदे हैं, उनका जो सरू का दरख्त है उसके चारों तरफ उनका हजूम है। मीन्स कि वो जो कुमरी है, जिस तरह अब बुलबुल उसने अपने पसंद के दरख्त के ऊपर बैठना है, या बुलबुल की जो पसंद है वो फूल है, ठीक है, तो उस तरह जो कुमरी है, जहाँ कुमरी ने बैठना होता है, ये फाख्ता की किस्म का परिंदा है, सरू का जो दरख्त है उसके गिर्द उसका हजूम है। ये भी मोहब्बत की एक इलामत वहाँ बयान की जा रही है मैदान करबला में सुबह के मंजर की। जब वो ख़ानदान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में तशरीफ़ ला रहा है, ये हर किस्म की जो मखलूक है वहाँ, वो उनका एक अच्छे तरीके से इस्तकबाल कर रही है। मीन्स चिड़िया अपने तरीके से, फाख्ता अपने तरीके से, कबूतर अपने तरीके से, कुमरी अपने तरीके से, हवाएं अपने तरीके से, जो फूल हैं वो अपने तरीके से। कहते कि वो कुमरियों का चार तरफ सरू के हजूम, वो जो फाख्ता नमा परिंदा है उसका, वो जो मखरूती किस्म का एक दरख्त है जो बेफल होता है, उसके गिर्द उनका हजूम है। कुकू का शोर, कुकू कहते हैं कोयल को, कोयल का शोर नालाए हक सिर रूह की धूम, नालाए हक सिर रूह की धूम, मुराद ये है अल्लाह ताला के भेद जो हैं उनकी सच्चाई बयान करना। ये परिंदे अपनी एक मखसूस आवाज़ में जो नगमा गुनगुनाते हैं, कुकू का, एक तो कुकू का शोर है, ठीक है, और उसके बाद नालाए हक सिर रूह की धूम, जो बाकी परिंदे हैं, जो साथ दीगर परिंदे, उनका भी अल्लाह ताला के जो भेद हैं, अल्लाह ताला के जो निशानात हैं, उनकी वो सच्चाई बयान कर रहे हैं। सुबहाना रब्बाना की सदा थी अलल अमूम, सुबहाना रब्बाना कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो पाक है, सदा थी आवाज़ थी अलल अमूम, आम तौर पर वहाँ जो सदाएं आ रही थी वो यही थी कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, तेरी ज़ात पाक है, उसकी ज़ात पाक। अब देखिए, तमाम परिंदे अपने अपने लबो लहजे में अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, कि ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में तशरीफ़ ला रहा है, और किस लिए तशरीफ़ ला रहा है, कि वो हक़ की खातर, बातिल के सामने घुटने नहीं टेके, हक की खातर वहाँ तशरीफ़ ला रहा है। और जब जहाँ कोई हक की खातर सच की खातर तशरीफ़ लाता होता है, तो वहाँ उनके
शादियाने उनके लिए शादियाने बजाए जाते हैं। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। मीन्स जीत गए तो हम गाजी, हार गए तो हम शहीद, और गाजी और शहीद का दर्जा देख ले, शहीद का तो शहीद के बारे में तो ये कुरान पाक में बकायदा ये फरमाया गया है, वो जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करते हैं वो ज़िंदा होते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात की खबर नहीं। तो जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, रसूम रस्म की जमा है, कि कहते हर जो परिंदा था उसमें कुमरी है, उसमें जो बुलबुल है, उसमें जो जो भी परिंदे मैदान उस मैदान करबला में सुबह के वक्त थे, उस सारे के सारे जो परिंदे थे उनके उनको उनकी ज़ुबानों पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो नगमे थे वो जारी थे। हर कोई अपनी अपनी ज़ुबान, अपनी अपनी आवाज़ में, अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहा था। कोई कह रहा था कि हक से रूह की धूम थी, कोई मतलब कुकू का शोर था, कोई सुबहाना रब्बाना उसका शोर था, ठीक है। तो ये सारे सारे अपने अपने तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहे थे। देखिए जिस तरह हम अपने मुख्तलिफ इलाके में रहने वाले अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं, पंजाबी अपनी पंजाबी ज़ुबान में, सिंधी सिंधी ज़ुबान में, बलोची कश्मीरी संस्कृत हिंदी दीगर जो जहाँ जहाँ भी है, ठीक है ना, ज़ुबानें। लेकिन जो कलमा हक जब बयान करना है वो जो रब है वो हर ज़ुबान को जानता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी की अनायत की हुई हैं। कोई अरब मालिक में रहने वाला है वो अरबी ज़ुबान में, चीन में रहने वाला चीनी ज़ुबान में, या दीगर ममालिक में रहने वाला अपनी अपनी ज़ुबान में। तो इसी तरह मैदान करबला में सुबह के वक्त का जो मंज़र बयान किया है मीर अनीस ने, तो वह ये कहते हैं कि उस वक्त वहाँ जो कुमरी थी वो दरख्त के गिर्द उसके हजूम थे, और जो दीगर कुकू थी तो कोयल का शोर भी वहाँ था कुकू का, और उसके बाद मुख्तलिफ परिंदे जो हैं वो अल्लाह ताला की हक और सदाकत की जो गवाही है वो वहाँ दे रहे थे, और कुछ मतलब कि अल्लाह ताला की हमदो सना में ये कह रहे थे सुबहाना रब्बाना, क्या मेरे मालिक तेरी ज़ात पाक है। मीन्स लास्ट मिसरे में सारी बातें उन्होंने की, चौथे मिसरे में सारी बातें कह दी। जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, उनकी इबादत के जो तौर तरीके थे वो उनकी ज़ुबान पर जारी थे। और नेक्स्ट मिसरे में बात करके बहुत शानदार मिसरा कहा उन्होंने कि कुछ गुल फक्त ना करते थे रब्बी आला की मद्दा, कहते कि कुछ गुल फक्त ना, सिर्फ गुल अल्लाह ताला की हम दोस्ना नहीं करते थे, लेकिन उसके साथ हर नोक को, हर खार को भी नोके ज़ुबान थी खुदा की मद्दा। हर कहते हैं कांटे को, कहते कि सिर्फ जो गुल हैं जो फूल हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की हमदो सना बयान नहीं कर रहे थे, लेकिन फूलों के साथ साथ जो कांटे थे वो भी अल्लाह ताला की हमदो सना बयान कर रहे थे। हम देख लें ज़मीन से लेके आसमां तक इसके अंदर जो जो भी चीज़ें थी वो सारी के सारी अल्लाह ताला की हमदो सना में बिजी, द्रिंद चरिंद परिंद हिवानात नबातात जमादात जो भी थी वो सारी के सारी एक हक और सच के मंजर को देख के अल्लाह ताला की हमदो सना बयान कर रही थी। देखिए अगर आज बातल उस वक्त अगर इमाम हुसैन पाक का कुंबा मुबारक बातल के सामने घुटने घुटने टेक देता तो आज हक और सच की जो बात थी ये बिल्कुल ख़त्म हो जानी थी। कहते थे मोहम्मद अली जनान क्या खूब फरमाया था, इंसान को इससे बढ़कर और अजर क्या चाहिए कि वो सच बोले और शहादत की मौत मर जाए और वो शहीद हो जाए, उसको और इससे बढ़ के क्या चाहिए। मैदान करबला में वो इमाम हुसैन पाक का ख़ानदान मुबारक जो है वो हक की खातर वहाँ मैदान करबला में चला गया था। ज़हरी आंग ने तो देखा तो वहाँ वो करबला का जो मैदान है, सहरा है, तपती रेत है और आसमान भी आग बरसा रहा है इस कदर, लेकिन जो बातनी आँख है वो उससे बढ़कर आगे देख रही थी। सपोज़ मेरी आँख अगर यहाँ तक देखती है ज़हरी आँख, लेकिन जो बातनी आँख है वो बहुत डेप्थ तक चली जाती है, और जो बातनी आँख थी वो यही देख रही थी, ये दिखने को तो ये गर्मी लग रही है यहाँ, लेकिन बातनी आँख देख रही है ये हक और सच की खातर, ये खातर, ये सदाकत की खातर लड़ने वाले जो जवान या ख़ानदान रिसालत का कुंबा मुबारक मैदान करबला में खड़ा है, तो इसके पीछे जो चीज़ है असल ये है हक और सच की खातर ये यहाँ लड़ रहे हैं। और देख लें उनके जो इरादे थे वो खाक में मिट गए,
लेकिन जिन्होंने हक और सच की खातिर अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान कुर्बान कर दी, वो मतलब कि जाने के बाद भी हयात है। वासिफ अली वासिफ क्या को फरमाते हैं कि अच्छा इंसान मरने के बाद दिलों में चला जाता है, ठीक है ना, तो और जो बुरे इंसान हैं उनका आप देख लें मरने के बाद वो बिल्कुल गायब, ठीक है। तो ये मैदान करबला का यहाँ सुबह का जो मंज़र था वो बयान किया जा रहा है। यहाँ मतलब इसको समझने के लिए इंसान को ज़ाहिर के साथ एक बातनी आँख की भी ज़रूरत है जो हकीकत को जान सके। वैसे देखा जाए कहते ये तो सारी मुबालगा रही यहाँ बयान की जा रही है, ऐसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, मैदान करबला में तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले कहा मुबालगा रही से काम लिया, लेकिन उसको देखने के लिए एक बातनी आँख चाहिए, ज़ाहरी आँख के साथ साथ अंदर की एक आँख चाहिए जो सर हकीकत को जान सके। जब आप हक और सच की खातर घर से निकलते हैं, देखने को तो ये लगता है कि जान चली गई, सूली पे चढ़ा दिए गए, लेकिन उसके पीछे जो असल चीज़ होती है वो बातनी आँख जान जाती है कि देखिए हमारा मियाँ का मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि एक दुनिया ये और एक आखिरत की दुनिया, ये टम्परेरी ज़िंदगी, ये आर्जी ज़िंदगी, अजान से नमाज का वक्फ़ा ये हमारी ज़िंदगी है। पैदा हुए थे कान के अंदर अजान दी गई और उसके बाद जब दुनिया फ़ानी से गए तो हमारी नमाज पढ़ेगी, मीज नमाज जनाजा, ये इतना सा वक्फ़ा है। और ये जो अजल है इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, अजल ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और ये पता है ये दुनिया टम्परेरी है, आरजी है, जो मौत है वो दरमियान में एक पर्दा है और जो ही पर्दा चाक होना है तो उसके बाद इंसान ने अपने असल घर में चले जाना है। और यहाँ की दुनिया के बाद की जो दुनिया है वो इंसान का असल घर है। जब वो असल घर है तो उसको देखते हुए इमाम हुसैन पाक का जो कुंबा मुबारक था वो सारा का सारा मैदान करबला में चला गया था हकीकत की खातर। और जो असल की दुनिया वो बात जो ना ख़त्म होने वाली दुनिया है तो वो बाद की दुनिया है, वो उसको बातनी आँख एक देखती है इंसान की। नसरी मफहूम इसका देख लीजिए, करबला के सहरा में सुबह के वक़्त सिरों के गिर्द जमघटा बनाए हुए थी, ठीक है, तो सरों के गिर्द वो कुमरियाँ जो थीं वो सरों के गिर्द जमघटा बनाए हुए थी, मीन्स वहाँ इकट्ठी थी, ठीक, वहाँ उनका हजूम था। कोयल अपने मखसूस अंदाज में नगमा सरा थी, बाकी परिंदों की बोलियां जुदा थीं लेकिन सब अल्लाह ताला की हमदो सना में मगन थे। कुकु नाला हक सिरु और सुबहान रब्बानी की सिदाएं पूरी फिज़ा पर छाई हुई थीं। और अहम बात यह है कि परिंदे ही नहीं बल्कि फूल और कांटे भी अल्लाह ताला की बढ़तर ज़ात की तारीफ़ व तौसीफ़ में मसरूफ़ थे। अब आला जाती है शार, देखिए, इंसान ज़मीन पर महव, मलक आसमां पर, मीन्स फरिश्ते, जारी थे ज़िक्र कुदरत, कुदरत हक हर ज़ुबान पर, नौबत है सदाए कुमरियाँ की, तैयारी है बाग में अजां की, हर शम्मा खामोश फ़िक्र में है। ये शायरी की वजह से ये खामोश इस तरह लिखा गया है शायर वज़न पूरा करने के लिए, ठीक है ना, हर शम्मा खामोश फ़िक्र में है, हर तायर शोखे सिकर में है, तार परिंदे को कहा जाता, पैदा गुलों से वो कुदरत अल्लाह का जहूर, वो जा बजा दरख्तों पे तस्बीह खां तय्यूर। पाँचवा शेर, पढ़ते हैं वजीफ़ा शजरो संग भी तेरा, तेरे से सही आलम हो बोल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बंद नंबर 4 की बात की और इससे बाद वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बंद नंबर 5 पे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।